अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 2 अक्टूबर 2024, समय हो गया है 02:45 PM। तो मैं आपको ना कुछ ऐसी सच्चाई बताता हूँ जिससे कि आपकी थोड़ी सी ना अकल के पर्दे खुल जाएं। और वो ये है कि भारत के अंदर क्या पूरे विश्व में बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं। कुछ एडवर्टाइजिंग ऐसी एजेंसीज ऐसी हैं जो टेररिज्म तक को वीडियो करती हैं, ISIS को वीडियो करती हैं, उसमें ISIS वाले भी आके जाते हैं वहाँ पर। ऐसे ही ना विश्व में कुछ एजेंसियाँ हैं जैसे अमान हक्कानी इंटरनेशनल, अमान ऑर्ग हक्कानी इंटरनेशनल, हेजबुला INC। तो ये जो मेरे आसपास जो घट रहा है ना, इसके पीछे का कारण है, ये सब के सब जो हैं अमान कंपनी, अमान एजेंसी, ये एड एजेंसीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी एड एजेंसीज हैं। जैसे टाइम मैगजीन है, एड एजेंसी है, आपको तो मैगजीन दिख रही है ना, असली हिंदुस्तान टाइम्स है, एक पेपर चल रहा है। इसी तरह ईबिक्स, अब ईबिक्स के अंदर अमान वाले पैसा फाइनेंस करते हैं ईबिक्स के गेम के लिए, ऐसे ही हक्कानी नेटवर्क वाले फाइनेंस करते हैं ईबिक्स के अंदर। हक्कानी नेटवर्क कोई मामूली कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो किसी भी चीज़ को जो है ना वीडियोग्राफ कर सकते हैं, यूनिवर्सल स्टूडियोज। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने तो ना तो अमान से पैसा लिया, ना हक्कानी से, ना हिजबुला। मैंने क्या करा कि अपनी सिविल लाइफ जी रहा था, मोबाइल फ़ोन उठाया, वीडियोस बनानी शुरू कर दी। अब हम तो नॉर्मली देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, या भारत पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट है, चलो जी इमरान खान साहब के नाम की कोई वीडियो बना दी है। उस दिन से जो है ना मामला जो है थोड़ा सा संगीन हो गया, कुछ ट्वीट कर दिए, और भाई ट्वीट भी ऐसे कि बंदे की हालत ख़राब है। ये लोग इन एजेंसियों से पैसा लेके नेता बनते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस बनते हैं, पर एजेंसी के अंदर जाते हैं, वहाँ एजेंसी से अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के कोई फिल्म बनाता है, कोई सीरियल बनाता है, कोई कुछ बनाता है, रेप तक की वीडियो, पोर्नोग्राफिक सब दिखता है, वो लोग खरीदते हैं। पर हमें मतलब नहीं, देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो कैमरे पर लाने लायक है, चाहे मर्डर हो, रेप हो, एनिमल हंटिंग्स हो। मेरा मामला थोड़ा सा अलग है, मैंने वीडियोस बना दी, गाने बना रहा हूँ, डाउनलोड कर लिया, इन शॉर्ट बना, मेरा कोई लेना देना नहीं है अमान हक्कानी से, हिजबुल्ला से, अभी तक प्रोफेशनली। हाँ यस, वैसे मैंने कुछ वीडियोस में कहा कि मैंने परचेज की खरीद करी है, उन्होंने कहा भी अमान के लोग हैं, अमान वालों ने कहा कि भाई देखते हैं कितना पैसे वाला है, तो मैंने भाई बात करते हैं। तो मिस्टर अल सलीम हैं, उन्होंने कहा, वो हॉलीवुड के अंदर एक फिल्म बॉडी ऑफ लाइज में दिखाई दिए गए हैं, बहुत सी पिक्चरों में दिखाई दिए गए हैं, कह रहे 2 टन गोल्ड, 2 टन गोल्ड, मेरा 4 टन दिया और एजेंसी चाहिए पेमेंट हो गया। चलो खैर, तो वो चला रहे जैसे चल रही है। फिर मैंने अमान में जॉइनिंग ली, पर मैंने अमान में जॉइनिंग का मतलब मैं एज ए क्लाइंट बन के नहीं गया, एम्प्लॉय नौकरी की कंपनी है, पर अपनी कंपनी में नौकरी करूँगा तो सैलरी मिलेगी ना, उसे पता भी लगेगा कंपनी क्या क्या काम करती है, मुझे करना क्या है। मैं कहा मैंने तो जाना है अमान में या हक्कानी में या हिजबुल्ला में। हिजबुल्ला को इंटरनेट पर ऐसे प्रमोट किया जा रहा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर करते रहो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, एजेंसी है। चाहे मोदी हो, बेंजामिन हो, एर्दोगान हो, ये इन एजेंसियों से पैसा लेते हैं कर्जे पे। अब कोई किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया तो 200-400 एकड़ तो ज़मीन के कागज बन ही जाते हैं, तो बना लिया, फट गिरवी रख दी, पैसा उठा लिया, पर इसमें पैसा बड़ा भयंकर ब्याज होता है, बंदा भाग नहीं सकता। और मेरा मामला क्या है, मैंने तो जाना है, मैंने तो
मोबाइल फ़ोन से वीडियोस बना रखी है, अपलोड करे, वो कह रहे डिलीट भी हो जाएगी, हम ले आएंगे तेज़। मेरी बात हो रखी है, मैंने कुछ गाने वगैरह बनाए और मैंने हकानी में बात करी, हकानी इंटरनेशनल में, जो सिराजुद्दीन हकानी अफ़गानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है। यार तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादी नहीं है, पर FBI कह रहा है कि सिराजुद्दीन हकानी आतंकवादी है, क्योंकि ये नेता जो है ना पहले पैसा ले लेते हैं और फिर बाद में अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी एजेंसियों से कह देंगे अब इसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर दो। ईबिक्स जैसी कंपनी के अंदर कोई बंदा जाकर डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता अनटिल अनलेस वो उस कंपनी का लोन डिफॉल्टर ना हो। जैसे मोदी को भाषण देते हुए देखा ना ईबिक्स में, राइजिंग इंडिया, मोदी पैसे का लोन डिफॉल्टर है तभी लाते हैं कैमरे पे वो ईबिक्स का बैनर के साथ। ये बक्के कहाँ जाएगा बेटा, डॉक्यूमेंट बन चुका तेरा, ये डॉक्यूमेंट बता भाई, मीडिया एजेंसीज हैं बहुत बड़ी बड़ी भाई, मैं तो बेच दूँगा, चाहे पुलिस वाले हों। अब कह रहे यार ये बंदा ऐसा है, इसको अपने साथ रख लो, ये बड़ा फेमस है या नहीं है, या इससे इसकी वीडियो ले लो, हम अमान में बेच देंगे, मोबाइल फ़ोन छीन ले। उस दिन मैदानगढ़ी थाने में एक ऐसी घटिया हरकत हुई, करने करवाने वालों का नाम लो तो माधुरी दीक्षित, इतनी घटिया हरकत हुई ना, मेरे मोबाइल फ़ोन से गाने चोरी किए गए। अभी मैंने ACR गाना बनाया और यकीन जानना इसमें जो नंबर है हाइड्रो न्यूक्लियर के ओरिजिनल नंबर्स हैं, मैंने कॉपी नहीं की किसी से, मैंने खुद बनाया है, मुझे मैं पढ़ना जानता हूँ हाइड्रो न्यूक्लियर। अच्छा एक बात बताओ, चेन लाओ साइकिल में लगाओ, क्या गलत कह दिया, चेन लाओ वीडियोस हैं, रात को बनाता हूँ लेट नाइट, पर तुम तो लेट नाइट तो वो देखते हो ना, पहले हम भी इंतजार करते रहे टीवी, अभी लेट नाइट पिक्चर आएगी, थोड़े थे लड़कपन में, अब तो लेट नाइट इंतजार करते हैं, पानी आएगा, मोटर चलेगी ना मोहल्ले की तो पानी भर लेंगे, ये हालात है। और एक आम आदमी कैसी ज़िंदगी जी रहा है, इसकी सच्चाई जो है ना ऐसे ही बयान हो सकती है, कोई दूसरा तरीका है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब GTRs की बात हो गई तो चेन लाओ, अच्छा साइकिल नहीं है साइकिल में मत लगाओ, तो बेटा पैंट में लगा ले, ठीक है दो चेन ले ही हो, एक आगे लगा ले एक पीछे लगा ले, ठीक है, और आगे नहीं लगानी तो पीछे लगा ले पैंट में। याद आ गया मैं कौन हूँ, मैं वो आदमी हूँ जिसने इन लोगों को जो उल्लू के पट्ठों जैसी हरकत करते हैं ना, इनको कहा, मैंने कहा बेटा ज़िंदगी में ना इस दिन इतनी मार खाओगे ना तुम कि तुम्हें ना अपनी पैंट की जेब आगे की बजाय जितना आगे की बजाय चेन जो होती है ना पैंट में आगे की बजाय पीछे लगवानी पड़ेगी। हुआ भी वही है इनके साथ, क्योंकि बेटा अमान अकानी में घुस तो गए, हर आदमी, मैंने बताया एक वीडियो में, हर आदमी को लगता है कि वो एक्टर है। मरियम नवाज शरीफ, देखो कोई अगर स्क्रीन पे आ जाता है ना तो उसको लगता है कि बहुत सुंदर है, पर लाखों में से कोई एक आ गया तो और क्या करोगे, भूल ही दोगे, गलत तो नहीं है, पर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं। अब अफ्रीका से उठ के ब्रूस अलमाइटी पिक्चर के अंदर गॉड बन जाते हैं, महाकसम उसी दिन से धर्म पे से विश्वास उठ गया मेरा तो, मैं कहा भाड़ में जाओ कोई देवी देवता नहीं होता धरती में, कहा ये कौन ही ब्रूस अलमाइटी में, कहता आई एम गॉड। सही कह रहा हूँ। अच्छा जी ब्रूस अलमाइटी ये गॉड है, मैं तो सही मजाक कर रहा है यार, क्या पागल आदमी है यार। मतलब स्क्रीन पे अगर हम बैठ के टीवी देख रहे हैं ना तो उस पे आने वाले लोग हमें चूतिया समझते हैं, निरा चूतिया समझते हैं। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान में वाकई, अगर उसको सुंदर नहीं बोलोगे ना तुम्हारी माँ का भोसड़ा बहन के लाड़ों तुम्हारे घर का पानी बंद करवा देगी, यह हाल होता है इन बहन की लोड़ियों की माँ की चूत, ये हकीकत है।
मैं अगर इनको कुछ समझाता हूँ ना, इन बहन के लोड़ों की झांट जल जाती है, मैं मादर छोड़ दूँ। सुंदर तो सलमान खान भी समझता है अपने आप को, पर बहन के लोड़े देख के हंसी नहीं रुकती। मेरे को ना जॉन अब्राहम के बारे में किसी ने बताया, आज भी ना जॉन अब्राहम उस बंदे को ढूंढता है, कह रहे हितेश भाई आप जॉन अब्राहम की सच्चाई जानते हो? हम लोग बैठे हुए थे वहाँ सरिता बिहार से आगे की जगह बैठ गए ना, सिगरेट पी रहे थे यमुना किनारे। अरे हितेश भाई आपको एक बात बताऊँ, मैं अपने ग्रुप में ना सबसे समझदार सबसे पढ़े लिखे बंदों में से था, माँ कसम 42% नंबर लाया हूँ। और सोचो मैं कैसे ग्रुप में उठता बैठता था, मतलब मैं अपने ग्रुप के अंदर सबसे पढ़ा लिखा सबसे समझदार, और मेरे ग्रुप के लोग मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे कराते थे जैसे माँ कसम दिल खुश हो जाता था कि जैसे मेरे से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है नहीं, मतलब वेरी इंटेलिजेंट ये और वो। चलने भाई ऐसे दोस्तों को कौन कोई दोस्त क्यों ना बोले, मैं कहा तेरे बच्चे बड़े हों यार, क्या बात कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं तेरे बच्चे बड़े हों। ये देखो ये हीरो बन गया कुत्ता, वीडियो बन गया, वो भोंकेगा जरूर, वो भोंकेगा। तो ये एक तरीका होता है। अब उसने मेरे को क्या बताया, कह रहे जॉन अब्राहम की सच्चाई पता है? मैंने कहा क्या? कह रहे फरीदाबाद में ना एक मेरा दोस्त है, कहता कर उसे रोज गांड मारता था, पागल वागल है क्या सब? मैं कहा उठ गया चल बहन के लोड़ा किसके बारे में बोला वो छिड़ के क्यों गांड तोड़वाएगा सबकी, जरा सच लगा लो बहन की ना, हम बता रहे हैं आपको। स्क्रीन पे आने कह रहा रॉ में है, मैं कहा साले इतनी मार मार मारूंगे बहन के लोड़े, कह रहा रॉ पिक्चर बना रहे, मैंने कहा माँ के लोड़े को इधर ले गया, मैंने रॉ वालों को बुलाया, इधर ये एक बहन के लोड़े एनएसजी वाले डायरेक्ट भोसड़ी के गंडवे दिख रहे हैं, सुन ले तेरी माँ चोट दूंगा बहन के लोड़े का, रॉ पिक्चर बने कट बहन के लोड़े कैंसिल कर, गंडवे रॉ में नहीं होते। एक एनएसजी वो प्रहार जिस दिन से पिक्चर बनी ना, एनएसजी वालों की और नाना पाटेकर की बनती नहीं है, तो स्क्रीन पर तो कुछ भी दिखा सकते हैं, सब दिखता है। पर उसके पीछे की सच्चाई जो है ना, जो लोन एग्रीमेंट्स हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हर किसी के मन में होता है। एक बुढ़िया को जाके बोल दे, ठीक है किसी बुढ़िया को बोल दे ना, और बुढ़िया माँ क्या हाल है, तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़े, तेरी ना गांड मार दे वो भोसड़ी वाली, नाम बदल दिया मेरा, सच लगा ले, समझा? मैंने अभी बाल जो है ना कलर किए, नॉर्मल जो मेरा रियल जो यही कलर आता है मेरे बालों का, इसमें तो यहाँ ज़्यादा सफ़ेद है, मैं कोई डिज़ाइनर वो नहीं करता हूँ, जो है नेचुरल है, मैं कलर कर दिया। मेरी वाइफ कह रही कहती आपकी एज बड़ी वो लगती है, अरे मैंने कहा रहने दे यार अब तो मैं ठीक हूँ, करी नहीं नहीं करो करो, मैंने सुन गया मेरी मैं सुन अपनी वाइफ की नहीं सुनता, मेरी बिटिया ने बोल दिया पापा अपने लिए हेयर कलर ले आना, अच्छा ठीक है, मैं कहा बेटा तू जैसे कहे मैं वैसे रह लूँगा, तू खुश रहा कर, छोटी सी है, वो कह रहे पापा ये पहन, ठीक है पहन, घर में बच्चों की चलनी चाहिए ना, ये रियलिटी है। एक वो तो ये लोन एग्रीमेंट के पीछे का एक मामला है, इसके पीछे पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है, पुलिस बनना है हमान में चला जाए 2 करोड़ का लोन ले ले, अगले दिन तू इंस्पेक्टर है, मैदानगढ़ी थाने में तैनात, और पुलिस वाले पता क्या ले लेते हैं पैसा, वेलफेयर में ले लिया जो पुलिस वाला बना दिया, नहीं नहीं मैं इंडियन आर्मी में 50 लाख करोड़ की बात कहने के बाद इंडियन आर्मी में नहीं आया, मैं उससे पहले से ही हूँ, बिल्कुल नहीं झूठ नहीं है। और उस लोन एग्रीमेंट को पूरा ये कर पाते नहीं है। अब ऐसे में कहते हैं ना ये सब एक 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 ही नाई के मुड़े हैं, ये क्या मोदी क्या अबू बकर अल बगदादी, समझ में आ गई, क्या उसामा बिन लादेन और क्या तुम्हारा राजनाथ सिंह, सब एक ही बहन के लेंडर, सब एक ही, ये मादर चोर पैसा लेकर बस चुका नहीं रहे, कंपनी कहती है हमारा पैसा दो, हमारी माँ की चूत बहन के लोड़े तुम्हारे साथ चार लाख अपराध हो जाए, लंड नहीं सुनने वाले, इतने मादर चोद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे बहन के, जो कि जिन्होंने अपनी नस्ल अपने माँ बाप अपने ख़ानदान पे थुकवा लिया,
मैदानगढ़ी थाना। वे बहन के लोग, मैं आंख देखी बात बता रहा हूँ, बहन के लिंड आतंकवादी वो बोल रहा है, मैं नहीं, माँ की चूत, मैंने रेक्टेंगल के लिए बोले गांड फटके हाथ में, गांड फटके हाथ में। आंख की बता रहा हूं मैं सोच रहा हूं कौन सी दुनिया है यार ये, दिस इज पुलिस। तो फिर तो क्राइम क्या बहन चो, तू किसी की माँ चोद ले, लंड कुछ रख नहीं पड़ता बहन चो, थाने में कोई बात कर ले। संजय अरोड़ा ने उस मैदानगढ़ी थाने के कई पुलिस ऑफिसरों से 2-2 करोड़ रुपए लिए। उसने खुद मुझे बोला है कि भाई अमान से 2 करोड़ रुपए ले दे तब पुलिस वाले बने, और तो पैसा तो बराबर करेंगे। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर, विजिलेंस वाले बहन के लंड जो है क्या कहते हैं, गांड सा मुंह बनाए घूम रहे हैं सबके सब। अभी माँ के लड़े मारना, कह रहा मैं पैसे ले रहा हूँ, तेरे को क्या दिक्कत है, अरे तेरी माँ की छूत। दुकान मेरी एक एग्जांपल, वह दुकान मेरी, मेहनत मैं कर रहा हूँ, मादर चोदी के फूड वाला हो कोई चलान हो समझा, मादर चोद पुलिस कहाँ से आ गई। वो तो बहन को पैसे मंथली बांध ली उसने, गांव के हैं है? मोदी के शासनकाल में इतनी कालाबाजारी और चोर बाजारी बढ़ी, माँ कसम जी में आता है इस बहन चोद के मुंह पे थुकवा दिया जाए, इस माता चोरी के। आशिमा सिराजी ने खुद कांटेक्ट किया, मैं चूतिया लग रहा हूँ कि मेरा 7 साल तक लगातार बलात्कार हुआ है, तो देखो इंडियन आर्मी की काम आ चुकी यहाँ पे। अब इंडियन आर्मी ने एक हलफनामा दे दिया अदालत में, यार ट्विटर पर लिखने से बहन खंड बात बात नहीं होती, क्या बात बता रहे हो यार, बहन खंड क्या नहीं होता यार ट्विटर पर लिखने से, फेसबुक पर तो लिख दे, कुछ लिख दे सब पढ़ते हैं। इंडियन आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि ये एक जासूस थी जो हमने पकड़ी। अच्छा तूने जासूस पकड़ ली, देखो कई बार बयान बदले गए, जासूस पकड़ ली कहाँ की, कह रहा पाकिस्तान की, अच्छा खुशी की बात है। फिर क्या किया तुमने, 7 साल तक उसको टॉर्चर कर रहे थे, अच्छा कहाँ से पकड़ी, कह रहा पाकिस्तान से, चूतिया है क्या तू, जिस लैंड से तू पकड़ने की बात कर रहा है मैं भी ये बात कह रहा हूँ, जहाँ से तूने उठाई, कह रहा हाँ वहीं से पकड़ी है पक्का, SPG वालों का बयान है, क्योंकि SPG का कॉन्वॉय गया था ना PMO का, पक्का, कह रहा हाँ। कश्मीर में एक नक्शा देखोगे तो एक लाइन है, उसको कैप लाइन बोलते हैं, मादर चौधरी को ये भी नहीं पता, उसके उस पार से उठाया कैप लाइन से गांव, वो रोड के किनारे दुकान पे से, अच्छा बल्कि एग्जैक्टली वहाँ से भी नहीं उठाया, उठाया इधर ही है, पाकिस्तान से पकड़ा। तो बहन के लोड़े वो लैंड पाकिस्तान की है, चूतिया वूतिया आएगा तू, अपनी ही जमीन को पाकिस्तान का बता दिया हलफनामे में, फिर कह रहे जी गलती हो गई, पागल हो यार। पूरे विश्व के अंदर बहन के लैंड इंटरपोल से चूतिया नहीं अरेस्ट हुआ है, अब तुम्हारी बहन, फिर तो भाई तुम्हारी भी बहनें चूदेंगी, फिर तुम्हारी भी माँ चूदेगी, बहन जो FIR नहीं होगी बस, तो अपनी माँ की चूत में जाओ ना बहन के लौड़ में। इसके पीछे एक सच्चाई छुपी है, और वो है कंपनी अमान, हक्कानी हिजबुल्ला जैसी कंपनियाँ, इन्होंने पैसा दे रखा है अपना लोन पे, ब्याज आना है 90 लाख करोड़ का, लोन डिफॉल्टर है नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में हितेश का मुंह बंद कर दो, अब हितेश को कैसे पता, क्योंकि हितेश तुम्हारी माँ का यार है ना, बहन के लोड़े नोडल ऑफिसर हो बहन चौधरी के अमान में, उस दिन मेरे से बदतमीजी क्यों कर रहे थे, उनकी गांड फट गई थी ये सुन के कि हितेश नोडल ऑफिसर आ गया यहाँ पे, मैं बेईमानी करता नहीं। मैरोली थाने में SHO से लेकर के सबकी कांस्टेबल तक की गांड फट के हाथ में थी, तो अब किसी तरह इस पे जो है कोई भी केस डाल दो। मेरे पे पहला केस क्या डाला कि मैंने दिल्ली पुलिस को फ़ोन कर दिया, तो क्या हो गया बहन चोदी के, फ़ोन कर दिया तो पाप कर दिया क्या है, हैं एक केस तो आज बहन कर वो केस हटाया, नहीं जी इसने फ़ोन नहीं किया, कह रहा मैं फ़ोन क्यों किया तुमने, ये दिल्ली पुलिस का प्रॉब्लम है। फिर ये कह रहे तूने इसको आतंकवादी क्यों बताया, मैं क्यों बताऊंगा बहन की लौड़ी के, सुन तो ले पहले पूरी बात है।
मादर छोदी के मेरे घर के बाहर ये कह रहा है, जैश मोहम्मद से है और दिल्ली जल बोर्ड का पानी का टैंकर लाता है, और ये कह रहा है कि कल को, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बात कर रहा था एक औरत से, कल को मैं इसको समझ ले पानी का टैंकर नहीं, ये RDX का टैंकर बहन के लोड़े, मैंने स्पेशल कमिश्नर को लिख दी। अच्छा नहीं लिखता तो कहते बहन के लोड़े तूने इन्फॉर्मेशन छुपा दी, IB का नंबर नहीं है तेरे पास, बेल्ट नंबर तो लिख के भेज देता पुलिस को। इसे कहते हैं आ बैल मेरी गांड मार, आ बैल मुझे मार नहीं पूरी बात, इन बहन चोदों ने पता है क्या करा उस दिन, आ बैल मेरी गांड मार। मैं बताऊं तुझे बहन चोदी के हैं, और तेरे थाने को तो मैंने बोला भी नहीं, स्पेशल कमिश्नर ने भेजा था मेरे को, बस उसने क्या करा, बंदे ने अपना उसका पानी का टैंकर VIP नंबर था 4848, कहता ये VIP नंबर है, ये कटता नहीं है, है क्या ये, कह रहा हाइड्रो न्यूक्लियर बम का नंबर है। मैं कह रहा हूँ पूरे इंडिया से कोई भी बंदा इस बात की जांच कर ले, और ये बहन चोदी के अभी भी वही कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट में किसी मादर चोद को नहीं सुना, सुनाई दिया, सब लोन का पैसा उतारने के चक्कर में अपनी माँ तक चुदवाने को तैयार बैठे हैं, क्या करें। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, कौन भोसड़ी का है जो अमान के कर्जे के नीचे नहीं है, और कौन ऐसी बहन की लोड़ी छिनार है इंडिया के अंदर मादर चोदी एक्ट्रेस जो हक्कानी नेटवर्क के कर्जे के नीचे नहीं है। एक एक तो महामहिम जी बन गई, चलो कुछ छोड़ दी बात, पर वो बहन चोदी उससे पहले मादर चोदी हक्कानी नेटवर्क अमान की लोन डिफॉल्टर थी। गांड में गांड सटा के खड़े हैं मादर चोदी का नेशनल सॉन्ग गा रहे हैं, भारत महान हो गया, इस सच्चाई को क्यों 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 छुपा रहे हो। ऐसे में इनकम टैक्स, CBI और देश की सारी एजेंसियों की बहन चुट चुकी है, क्योंकि कंपनी को फाइनेंस किंग सलमान का है। अब यहाँ मैक्सिमम लोग हैं ज़्यादा लिपस्टिक लगा के आ गए, तो उसने सोच लिया कि चलो मैं जो है आतंकवादी बन जाऊँ या हीरो बन जाऊँ या हीरोइन बन जाऊँ, इन बहन की लुड़ियों को कौन रोकेगा। एक है अभी हाल ही फिलहाल में मैंने लड़की को आते जाते देखा, मुझे पता क्या चला, उस लड़की ने अपना अंदाजन 350 करोड़ का घर दुकान सब गिरवी रख दिया फिल्मों में आने के लिए, और मादर चोदी देखने में माँ का भोसड़ा थूक दे आदमी उसके मुंह को सारे नाम, कंपनी को क्या पैसा दे दिया, प्रोफाइल खींच दी, झांट झांट भर के लौंडे हैं, झांट झांट भर के लौंडे, बहन के लोड़े चूत और लंड की बात तो ऐसे ही करते हैं, यही रहते हैं एक बहन के लौंडे, नाम मैं बताता हूँ, नहीं हिमांक पता नहीं क्या, इतना झांट भर का लौंडा है, उसकी माँ भी साथ नहीं रहती, कोई और रहती है, वो भोसड़ी चोदी की ना उसकी उसकी ना ब्रेन वॉइस सुनना क्या होती है, हकानी का लोन डिफॉल्टर है, उसकी माँ भी और वो भी, पैसा देना तुम्हारी गांड मार देंगे ये बहन के लौड़े, सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी मैं 3 बार मोटर चला चुका हूँ, पानी बंद है, बहन की लोड़ी एक मादर चोदी आ रखी है ठीक है, और बार बार चाबी बंद कर दी है, पर ये बहन के लोड़े ये भूल गए, अभी तेज ने तो वॉइस दे दी, माँ चुदा ना मुझे क्या मतलब है, अपनी बहन के लोड़े जल बोर्ड मैंने खरीदा, पर बहन चोदियों के ये साले हराम के साले मादर चोद GB रोड की पैदाइश हैं ये मादर चोद साले, बहन के लोड़े ये मैदानगढ़ी थाना, पहले एक मेहरोली थाने में अपनी बहन चुदा चुका है मनोज गुप्ता, क्योंकि अमान और अकानी में ग्रुप बने हुए हैं लोगों के। अबे बहन की लोड़ी के मैंने लोन नहीं लिया चुदाई खानी के, तो अनीता तंवर जो मेरे एरिए से काउंसलर है, ये हरामजादी बहन की लोड़ी हक्कानी की लोन डिफॉल्टर है, एक बच्चे की हत्या करते हुए वीडियो बनाने पे इनको 6,000 करोड़ तक मिल जाता है, बेचते हैं तो ठीक है हिसाब लगा ले 200 बच्चे मारने किसी स्कूल के, बहन चुदाओ ने यही काम से स्मृति जुबिन ईरानी ने किया, 800 बच्चे मार दिए इंडिया के कहीं ना कहीं से ला के, नहीं होगा तो इंडिया पाकिस्तान के बच्चे यहाँ मार देंगे, यहाँ के बच्चे पाकिस्तान में मार देंगे,
एक आधा की वीडियो आ जाएगी आतंकवादी हमला होगा, लंड आतंकवादी हमला होता है, ये बहन के लोड़े खुद करते हैं सारे नेता, ये पुलिस वाले खुद करवाते हैं माधव चौधरी के। उस दिन मैदानगढ़ी थाना में रात को थाने के अंदर एक नेपाली लड़के की बीवी का सरेआम रेप हुआ है, और रेप करने वाले एक नहीं अंदाजन 150 बंदे थे। पूरी रात जुदाई चली है, और वो ही बीट अफसर जिसने शुरुआत करी, हम तो निकल आए वहाँ से बहन के लंडे। मैं तो कूटने के चक्कर में था माधव चौधरी को, वही उन्होंने कहा बेटा ये काबू नहीं आएगा, सरे आम रेप किया है। पर वो बहन की लोड़ी का फिर यहाँ पे आया गली में, पर यहाँ मकान बन रहा था, उसके मकान वाली को धमका के गया, पैसे लेके गया या नहीं लेके गया मुझे नहीं पता, पर आया इसी चक्कर में। तो ये हालात हैं, कहीं चला जा दिल्ली में रात को पुलिस वाले का तुम्हारी सुरक्षा में बैठे, ये बहन के लोड़े सब अमान और अक्कानी का पैसा चुकाने के लिए बैठे हैं बहन चौधरी के। भाई किस कहीं पे भी ऑनेस्टी नहीं बची है। ऐसी माँ चौधरी जब तुम्हारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बहन के लोड़े है, प्राइवेट कंपनी के कर्जे के अंदर है, कर हमें नहीं पता तू क्या शपथ लेके बैठा, बहन के लोड़े हमारा पैसा दे दे। मरियम नवाज जो अपने आप को ज़्यादा बकचोदी के फार्म भर रही 30 मार्क हम समझती थी, मैंने आज गिरचा फीड दे दिया, हाँ चुदाओ ना अपनी बहन के लोग कॉन्ट्रैक्ट है, कैनबलिस्ट है, तो क्या हो गया, खा ही तो रहे हैं, इंसान मार के खा जाते हैं बहन के लोड़े, खाने को मिलता नहीं है ना कैमरे पे। देखो एक एरिया पे अगर कैमरा लग गया ना, उस कैमरे के लगे होने के बाद उस जोन में, नहीं नहीं जोन में लगता है, जब जोन में जाते हो, जोन से सेक्टर में एंट्री है, वहाँ कैमरे लगे हुए, खाने को नहीं मिलता भाई, पैसा है हैं, 300 रुपए के जो है क्या कहते हैं बर्गर हैं, खा पाएगा हैं, सारी इतनी महंगी आइटम रखी हुई है ना, एक दारू बहन के लोड़े मैकालन रखी हुई है, पी ले 6 लाख रुपए की बोतल है, बना ले पिक्चर शराबी, साले पानी नहीं मिलता पीने के लिए, मूत मूत के पीते हैं अपना, ये हकीकत है। चाहे भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय हो चाहे राष्ट्रपति भवन की माँ छुपी रहती है, बस किसी तरह कैमरा पूरा करना है, वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग लेते हैं, कंपनी वाले कहते हैं हमें क्या पता तेरा पैसा कहाँ गया बहन के लोड़े, ब्याज भर पहले, गांड तक मरवाते हैं, गांड मरवाना पता नहीं है तुम्हें, बताओ मुझे तो नहीं पता, नहीं मुझे पता है क्योंकि मैं मारता हूँ, और जैसे अभी मार रहा हूँ ना वीडियो में, लंड फर्क नहीं पड़ता है बहन के लोड़ों को, इन भिखमंगों को उस, और आपस में क्या करेंगे कि भाई एक औरत है उसने वो अकानी का पैसा नहीं दे पाई बेचारी, सारे बहन के लोड़े बंदे मिलकर उसको चोर मारेंगे, बस एक बंदा है अमान का पैसा नहीं दे पाया, उसी उसके पर हमला कर देंगे, उसके घर का पानी, मतलब ये बकचोदी है, पता नहीं कौन सा नियम है। एक बंदा अगर कंपनी से लोन ले रहा है, तेरी क्यों माँ चुद रही है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, तेरी क्यों माँ चुद रही है, मैं तो ये जानना बस। किसी का पानी बंद कर देंगे, किसी का कुछ बंद कर देंगे, ये हालात हैं भाई साहब। मेरा ससुर, मेरी सास सब फिल्म में जाने के चक्कर में, बहन के सब अमान में लोन डिफॉल्टर हैं, और मेरे ससुर ने, मेरी सास ने, मेरे साले ने ऐसी माँ चुदवाई अपनी, भाई साहब 91 करोड़ रुपया मेरे सर पे डाल दिया, मेरा था पैसा किसी लिंक में, बहन के लोड़े ने वहाँ से ले लिया, मैंने अमान वालों की गांड मार दी, किससे पूछ के लिया, अमान वालों ने पैसा छोड़ दिया। कल मैंने पता है क्या करा, इतनी गांड तोड़ी ना अपने साले की गुड़गांवा सेक्टर 28 में, इतना मारा ना उसको, बंदे भेज के वहाँ पे जो है 29 करोड़ रुपये रखा था मैंने उठा, बहन के लोड़ा पैसा मेरा तेरी माँ के चूँ, तू कहाँ से ले गया, 29 करोड़ रुपये मैंने अपने साले से कल वसूला है, इतना मारा इसको, उसकी बीवी को भी उसको भी, सेक्टर 38 गुड़गांव में कल 3 बंदे कूटे, भयंकर मारा बहन के लोड़े को, फिर यहाँ नोएडा भेजे बंदे, पैसा कहाँ है बहन के लेंगे, वो तो हो यार। मैं भाई साहब
बड़ी मेहनत से मैंने पैसा इकट्ठा किया, बहन के लड़कों ने मेरे नाम पे चढ़ा करके पैसा हटवा दिया अकाउंट में से। भयंकर मारा बहन के लड़कों को, गिरा गिरा के मारा। इसकी माँ की चूत, माँ चुदाने जा। अब इस मामले में मेरी बीवी की सुलगी पड़ी है। मेरे लौंडे को समझ नहीं आ रहा, बकचोदी के फार्म भर रहा हो, तेरी भी गांड टूटेगी बहन के लंडे। गेम पता है नहीं, बस ये सोचते हैं कि अमान में चले जाओ, कहानी में हीरो हीरोइन बन जाओगे। अब चुदाई खानी के पैसा कमा के जा अंदर, जैसे मैंने वीडियो बनाई है ना, और दिन रात इन्वेस्टिगेशन कर करके इनकी बहन चोदी सबकी, ये सच्चाई है। इसलिए मेरी वीडियोस बिकती हैं। मैंने सुमाना ब्रह्मा पकड़ ली, मरियम नवाज शरीफ ईविक्स के अंदर अलग नाम से, अब कहाँ जाओगी मैडम। और यहीं पालम पे ना नौकरी कर रही थी, पालम एयरपोर्ट के पास, इसमें मेहरम नगर में, आराम से अंदर बैठती थी। ये तीन या चार बहनें थी, ज़मीन के नीचे ऑफिस होते हैं, ज़मीन के नीचे ऑफिस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब वो ज़मीन में से एक बहन निकलती थी ऑफिस में बैठ जाती थी, दूसरी निकलती थी बैठ जाती। तो भाई मरियम नवाज शरीफ यही वाली ज़ारा जो अब तक जिंदा थी, ज़ारा नहीं मरी थी, जोया की गिरचा फीड थी ना, आज मरियम नवाज की लगे। अबे फीड सब खड़ा करके